यहाँ पे ने, चंचल सी एच एल चंचल शर्मा ओके इट वाज राइटिंग इन ओरिजिनली इन डोगरी लैंग्वेज बट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय शिवनाथ सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव रीड दैट कि जो uh, जो नरेटर से वाज जस्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड द ऑफ़ द आउटसाइड वॉज फैंटास्टिकस वज लॉस इन दियर तो बहुत खूबसूरत नजारा था तो उस समय क्या आते हैं उसकी बेटी एंटर होते हैं और उससे बहुत सारे सवालत करते हैं और उससे कहते हैं कि आसमान में जो गुड्डा गुड्डी है ओके यहाँ पे जो गुड्डा गुड्डी का झूला है आ, वो आ, वो बोलते हैं आसमान की तरफ पॉइंट कहते हैं कि वो झूला किसका है गुड्डा गुड्डी का झूला है ओके रेनबो की तरफ़ देख के तो वो कहते हैं किसने कहा तुमसे ये उसके फादर से पूछते तो वो कहते हैं मेरे दादी माँ ने कहा है तो फादर उसे कहते हैं अगर दादी माँ ने कहा हो तो सही होगा फिर उसके बाद उसकी फादर से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भी ऐसा कोई झूला ला के दीजिए फिर उसके बाप उसको बोलते हैं कि वही तुम्हें जो झूला है वही रख लो तुम फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझे किसी दूसरे का झूला मुझे क्यों चाहिए मुझे अपना झूला चाहिए तो ये सुनकर राइटर बोलते हैं फिर आज का जो हमारा लेसन है ओके आज का जो ये सेकंड पढ़े यहाँ से स्टार्ट होना है स्टार्ट होंगे ओके okay. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं देखो आई बिगेन हाउ वाइज द लिटिल गर्ल वन वॉस लिटिल वन वॉस मैनी बट आई कुड नॉट पे अटेंशन टू ऑल दैट तो यहाँ पर नरेटर कहते हैं आई बिगन गन में ये आ, सुन के हैरान हो गया छोटी बच्ची की ये समझदारी देख के आ, जो मेरा बच्ची थी वो आ, बोलता रहा बहुत कुछ के ओके कई चीज़ों के बारे में उसने बात करती रही लेकिन मैंने उनकी दिया उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया आई कुड नॉट पे अटेंशन टू ऑल देर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया आई वॉज लॉस इन माई ओन म्यूजिंग क्योंकि मैं अपने यानी ख्यालों में खोया हुआ था शी लेफ्टीट आफ्टर अ वायर एंड वन आउट आउट टू प्ले विद हर ब्रदर एंड सिस्टर फिर उसके बाद कुछ देर के बाद उसने मुझे छोड़ दिया और अपने भाई और बहनों के साथ खेलने बाहर चली गई आई वॉज थिंकिंग डेट अ ग्रैट माई ग्रैंड फादर माई ग्रैंड मदर ऑल्सो यूज यू टू टेल मी डेट इट वॉज द स्विंग स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी ओकेट when okay okay it when the ये थोड़ा अलग है okay it when the sun came out immediately after the rain तो मुझे एकदम से अपने दादी की बताई हुई बात याद आई कि वो भी कहती थी कि ये जो है ये जो रेनबो है ये क्या है गुड्डा गुड्डी का झूला है यानी ये जो रेनबो बारिश होने के जस्ट आफ्टर क्या होते हैं जब धूप निकलते हैं सूरज निकलते हैं तो सूरज के अपोजिट साइड में एक क्या बनते हैं एक इस तरह के लाइट्स बनते हैं रेनबो जिसको रेनबो का इसमें सतरंगी जिसको बोलते हैं उर्दू में वो बनते हैं तो मुझे अपनी दादी की बात याद आई सेवन कलर्स स्पलैंड एंड लवली एंड आई थॉट आई कुड बिकम अड एंड वाई ऑन द स्विंग ये जो सात तरंगी जो यानी सात रंग का ये जो रेनबो था यह बहुत ही शानदार और दिलकश था ओके okay. स्पलैंड मैंने बहुत ही शानदार और लावली मतलब दिलकश था और मैंने सोचा काश मैं गुड्डा बन जाता और झूले पे झूलता उस वक़्त में यानी जब मेरी दादी मुझसे ये कहती थी, थी तो उस वक्त में ये सोचता था मेरे मन में ये बात आती थी कि काश में वो गुड्डा बन जाता और उस पर झूला झूलता ओके स्वाय ऑन द स्विंग यानी उस झूले पे झूला झूलता काश में उस वक्त मेरा ये तमन्ना होता था फिर उसके बाद क्या होता है देखो एंड माई ग्रैंड मादर वेल मी यू आर गुड एन यूर एंड ऑन दिस गुडी है ओके फिर मेरे दादी माँ मुझसे बोलती थी कि तुम गुड्डा है एंड और वेन यूर गुड्डी और जब तुम्हारी गुड्डी आएंगे ऑन दिस स्विंग टूगेदर तो तुम दोनों मिलकर इस झूले हैं इसमें क्या करेंगी झूला झूलोगी झूला झूलेगी एंड देन माई गुड्डी केम आई वॉज मैरिट एंड आई लैंड डेट माई गुड्डी टू हेड्स मेला ड्रीम डेट वेन शी वुड गेट मेरिड हर गुड्डा एंड शी वुड वु टुगेदर फिर मेरी शादी हो गई और मुझे ही पता चला कि मेरी गुड्डी की भी ऐसा ही खौफ था ऐसा ही सपना था कि जब उसकी शादी होगी तब वो और उसका गुड्डा दोनों एक साथ झूलेंगे बट नाउ वी वेर ग्राउन ऑफ एंड आर ड्रीम ऑफ स्विंग टुगेदर सीटेड ऑन द सेवन कालर से ड्रीम ओनली अब हम दोनों uh, क्या हो गए थे बड़े हो गए थे और हमारे सात रंग के झूले पर झूले पर बैठ कर इकट्ठा झूलने का जो खौफ था जो सपना था वो सपना ही रह गया था नाउ वी हैड इन ऑफ अस द स्विंग स्विंग ऑफ लाइफ लॉन्ग एंड गॉड नोस ऑफ हाउ मैनी अब हमारे क्या था अब हमारे सामने जिंदगी का झूला था जिंदगी का ये लंबा सफर था कितना लंबा और खुदा जाने कितने रंगों वाला ओके यानी ये जो गॉड नोज ओनली हाउ मैनी यूज़ यूज़ का मतलब यहाँ पे रंग है, रंग ओके okay. यानी जिंदगी के कई रंग रूप होते हैं कि खुदा ही जानते हैं इसका कितना रंग होते हैं कभी दुखी कभी सुखी एवरी डे इट्स कलर चेंज फादर अवे बट मादर व स्टिल विद अस यानी हर रंग यानी हर रोज़ ये जो जिंदगी है अपना रंग बदलते रहते हैं हमारे जो वालिद साहब था वो गुजर गए थे लेकिन हमारी जो वालिदा था हमारी जो अम्मी थी वो अभी हमारे साथ थी टू ऑफ अस विद फोर किड्स विद द सेम लिमिटेड सैलरी दिस किड्स वेर ग्रोइंग अप एंड एक्सपेंस वेयर इंक्रीजिंग तो आ, हम दो थे मैं और मेरा बीवी आ, हमारे चार बच्चे थे उसी थोड़ी सी तनख्वाह के साथ ओके उसी थोड़ी लिमिटेड जो सैलरी थी उसी के साथ हमारे जो बच्चे थे वो बड़े हो रहे थे जब बड़े हो रहे थे उसके यानी उनके जो ख़र्चे थे वो भी बढ़ रहा था एंड वाच कॉन्वोलेशंस आई हैड टू अंडरगो टू मीट द एक्सपेंसेस और यानी इस खर्चे को पूरा करने के लिए ना जाने मुझे कैसे कैसे मुश्किल मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता था एंड वट कर मुश्किल आई हैड टू मुझे गुजरना पड़ता था टू मेट द एक्सपेंस इस यानी ख़र्चे को निकलने के लिए क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ रहा था तो ख़र्चे को पूरा करने के लिए मुझे कैसे कैसे मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता खुदा ही जानता है uh, सम तो कभी कभी मैं बच्चों को ट्यूशन दिया करता था कभी कभी मैं किसी दुकान पे जाके एक्स्ट्रा काम करता आ, ओके एक्स्ट्रा काम करता था वहाँ पे टाइपिंग करते थे टाइपिंग का काम करता था समेज पास इट कम्फर्टेबली बट कम्फर्टेबली बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी were हॉट अप तो हम कभी कभी हमारे जो जिंदगी था वो सुकून से गुजरता था आ, ओके एह, सुकून से गुजरता था आराम से गुजरता था लेकिन ज्यादातर जो वक्त हम तंग ही रहते थे हमारी जिंदगी बहुत ही और थी, थी बहुत ही मुश्किल से गुजरती थी फिर क्या होते हैं स्प्लैश ऑफ रेन स्पलिश ऑफ रेन फ्लू इन वेयर आई वाज सिटेड द सन हैड गन बियॉन्ड द क्लाउड एंड द वैन हैड पिक इट अप स्पीड आप जो उस बारे ओके मैं यही सब कुछ सोच रहा था अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या चल रहा है अपनी ज़िंदगी में क्या क्या मुसीबतें और उसके बारे में सोच रहा था तो उसी समय क्या होते हैं स्प्लाइस ऑफ लाइन यानी बारिश का जो पानी होते हैं बूंदे हैं या बारिश का जो फवारे हैं वो हमारे कमरे के अंदर आया जहाँ पे मैं बैठा हुआ था वहाँ पे पानी का जो फवारे था फवारा सी अंदर आई Uh, जो सूरज था वो बादलों से दूर uh, जा चुकी थी बादलों के बियॉन्ड द यानी बादलों से दूर जा चुकी थी और हवा की जो रफ्तार थी वो तेज़ हो गई थी दैन हेज अप स्पीड आई क्लोज द विंडो इन दीन वेल माई वाइफ केम इन मैंने दरवाज़ा यानी खिड़की बंद किया और उसी दौरान मेरे बीवी कमरे में आया आई शूटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग फिर उसने कहा मैं कितने देर से तुम्हें चिल्ला रही थी मैं इतने देर से यानी कितने देर से चिल्ला रही थी आर यू गोइंग टू हैव यर और नॉट क्या तुम अपने चाय पियगे या नहीं पियगे अब चाय लोगे ना या नहीं यू मस्ट मी शायद अब मुझसे तंग आ चुकी होगी बट आई एम नो लेस फेड अप विद यू लेकिन मैं तुमसे कम तंग नहीं हूँ ओके तुम मुझसे कभी तंग आ चुके होगे, लेकिन मैं भी तुमसे कभी यानी काफ़ी तंग आ चुकी हूँ तुमसे कम तंग नहीं हूँ वट है आई केम टू दिस हाउस यानी जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे कोई सुकून नहीं मिला है मुझे कोई खुशी नहीं मिला है आई स्टार्ट वॉकिंग एज सुन एज आई गेट अप इन द मॉर्निंग यानी जब या, जब मैं सुबह उठते ही काम में लग जाती हूँ काम करना शुरू करती हूँ एंड आई गो ऑन एंड ऑन टिलट एट नाइट फिर मैं लगातार इसी काम कामें काम में मशगोल रहता हूँ सुबह से लेकर शाम तक सी वर्ड हैज हैपन टू माई हेल्थ विथ लेंटल सूफ एंड बुद्धि प्रकाश अब देखो मेरे हालत देखो मेरे सेहत कैसी हो गई है मैं बिल्कुल सूख के चशिंग जैसा हो गया हूँ मैं ओके okay, विथ uh, लिंटल सूप यानी मसूर की सूप पी के और बुद्धि प्रकाश की वजह से मैं बुद्धि प्रकाश की वजह से मैं क्या हो गया हूँ मेरी हालत देखो बिल्कुल चशिंग जैसा हो गया बहुत कुछ सूख किया हूँ मैं यानी इस शादी ने मेरे ज़िंदगी को बर्बाद किया तो यहाँ पे हमारा लेसन स्टॉप करते हैं हम क्योंकि ज़्यादा टाइम ओके तो नेक्स्ट वीडियो में वी, वी विल रीड द रेस्ट चैप्टर Ok.